नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में पिछले दो दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, दो दिन से लगातार आला नेताओं में मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। बीजेपी मंथन चिंतन कर रही है और कांग्रेस में अब बदलाव की बयार शुरू हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने दोनों पदों में से नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद एआईसीसी ने कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह को विधायक दल का नेता नियुक्त करने के आदेश जारी किए। माना जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ और बड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही पिछले दो दिनों से एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। पार्टी अपनी आगामी योजनाओं, सत्ता और संगठन में समन्वय और सत्ता में सभी पक्षों, क्षेत्र और समाज की भागीदारी को लेकर मंथन किया गया। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, पर दोनों ही दल अपने अपने तरीके से मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों ही दल अपने संगठनों में कसावट आने के लिए कई अहम और बड़े फैसले ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनावों में किसकी रणनीति कारगर साबित होगी और कौन किसको मात देगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले आप वो जानिए। देखो, समाज की स्थिति में बड़े बदलाव लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकारें सदैव चिंतन मनन करती हैं और सामूहिकता के आधार पर चर्चा करके निर्णय करना ये हमारी कार्य पद्धति है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी पार्टी का परिवार है, परिवार की पार्टी नहीं है। इसलिए सब लोग बैठते हैं, जन कल्याण के किस काम को कैसे करना है, क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है, इसके लिए समग्र चिंतन होता है और इस प्रकार की बैठकें होती हैं। ये कोई नई बात नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। संभाग स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, प्रदेश स्तर पर होती है, हो रही है। प्रयासबाजी तो ये खबरें तो इनका कोई आधार नहीं होता। इस प्रकार मंत्रिमंडल में कौन रहेगा नहीं रहेगा ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन सरकार हमारी अधिक से अधिक जन कल्याण की योजनाएं बना सके, समाज में कानून व्यवस्था सबकी स्थिति ठीक रहे, इसके लिए सामूहिक रूप से चिंतन हम लोग करते हैं। कह चुके हैं कि वो दोहरी जिम्मेदारी का पद है और चूंकि वो पार्टी नेतृत्व से कई बार आग्रह कर चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने आग्रह किया, अभी भी उन्होंने आग्रह किया, तो वो शुरू से कह चुके हैं कि वो एक पद की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, नेता प्रतिपक्ष किसी और को दिया जाए। तो आज पार्टी ने निर्णय ले लिया, उनके आग्रह पर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। चौंकाने वाले निर्णय होंगे। 3 घंटे बैठक चली, जितने नेता बाहर निकले किसी ने मीडिया तक से बात नहीं की, सब भागते नजर आए, सब कांच गाड़ी के कांच चढ़ाकर निकल गए, सबके चेहरे तनाव पर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आए, गए वी डी शर्मा और शिवराज जी साथ साथ में थे, अलग अलग रहे हैं और बड़े चौंकाने वाले निर्णय सामने आएंगे। और जो हमारे पास जानकारी सामने आई कि वी डी शर्मा जी को जो महत्व नहीं मिलने वाला मामला भी इस बैठक में उठा और इसको लेके भी डांट और नसीहतें दी गई कि जो सत्ता की तरफ से संगठन को सहयोग नहीं मिला, तमाम विषय जिसका हम समय पर खुलासा करेंगे, लेकिन कई चौंकाने वाले निर्णय एक दो दिन में नजर आएंगे। तो एक तरफ बीजेपी की दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल रहे, केंद्रीय नेता इस बैठक में शामिल रहे, वीडी शर्मा इस बैठक में पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल रहे, उधर रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। इधर कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव की बयार शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि आगे भी और बड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। कमलनाथ ने अपने दो पदों में से एक पद छोड़ दिया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा हैं। नेहा बग्गा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता व्यान कुंगल हैं। व्यान कुंगल जी आपका स्वागत है। शुरुआत नेहा बग्गा जी आपके साथ कर रहा हूं, क्या कुछ रहा आज दिल्ली की बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से चिंतन करती है, संगठन को आगे कैसे लेकर जाना है उस पर विचार विमर्श किया जाता है और हम तो इसीलिए कैडर बेस्ड कहलाते हैं क्योंकि पार्टी का संगठन और सभी लोग मिलकर जिनका अनुभव है वो जो वर्तमान में पदस्थ हैं वो और संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वो सभी बैठकर चिंतन करते हैं। ये उन लोगों के लिए जरूर आश्चर्यजनक स्थिति होती है जो अलग अलग खेमों से आते हैं, अलग अलग गुटों में बटे रहते हैं, जो फसल बोते हैं फसल कोई और काट के ले जाता है,
या फिर जो कहते हैं कि भाई अगर कोई पद मिल जाए तो पार्टी के लिए कार्य कर पाएंगे, पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया नहीं है। और निरंतर सुधार करना, निरंतर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और साथ में संगठन के विचार को पहुंचाना, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है बनाती रहती है और उस पर कार्य भी करती है। ठीक है, ज्ञान खोंगल जी, क्या प्लानिंग चल रही है आने वाले इलेक्शन की? कमलनाथ जी एक्टिव हो गए हैं, एक पद उन्होंने छोड़ दिया है, पूरी तरीके से लगता है कि ग्राउंड में सक्रिय रहेंगे, और क्या कुछ तैयारी आप लोगों की है? जी हाँ, लंबे समय से कमलनाथ जी ने माननीय सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा से इस बात का निवेदन किया था कि मैं दोहरे पद पर अब रहकर जो है कार्य करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से लंबे समय तक जब जो सत्ता में रहती है जो पार्टी, तो उसका संगठन मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन से हमारी लड़ाई है और हमें भी कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पर ध्यान देने की जिस प्रकार से आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को देखते हुए कमलनाथ जी ने ये माननीय सोनिया जी से आग्रह किया था और उस आग्रह को आज मान लिया गया। और अब कमलनाथ जी निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संगठन की तरफ जो है और तेजी से ध्यान दे पाएंगे। खास तौर से जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अभी सभी प्रकोष्ठों की जो बॉडी को तैयार करने का जो एक रूपरेखा तैयार की है, और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ हम लोग उस तरफ आगे बढ़े भी हैं। सारे प्रकोष्ठ हमारे जिनकी बॉडीज पूरी तरह कंप्लीट है, हमारे संगठन की बात करें तो मंडलम सेक्टर सेक्टर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता जो है एक्टिव हो गए। मेंबरशिप में उसके परिणाम भी सामने देखने को आ रहे हैं कि हम 17-18 लाख मेंबरशिप हमने पार कर दी है, और अभी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लोग इसमें 20 लाख मेंबर्स को और जोड़ना है, वो निश्चित रूप से अच्छी तरह चल रहा है। तो जो है सोनिया जी ने माननीय कमलनाथ जी का आग्रह माना और संगठन की ओर जब अब कमलनाथ जी का ज्यादा ध्यान देना, निश्चित रूप से अब 2023 की तैयारियां अब हमने शुरू कर दी अपने स्तर पर। ठीक है, नेहा भगा जी, चैलेंजेस क्या कुछ इस बार आपके सामने रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी भी अपना सदस्य अभियान चला रही है, खुद को मजबूत कर रही है, संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, आगे भी और कुछ बड़े पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है। आप लोगों के सामने चुनौतियां क्या कुछ इस बार 2023 के चुनाव में रहने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं पर विफलता हासिल होती है तो उसको चुनौती के तौर पर कैसे उसमें सफलता पाई जा सके उस पर कार्य करती है। जो काम हमने अच्छा किया है उस पर और बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर कार्य किया जाता है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 दिन तक 10 घंटे देकर, जिस तरीके से हम विभिन्न चीजों पर कहते हैं कि लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड बनाया है। और आज प्रत्येक बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गया और वो सारा डेटा जो है आज हमारे पास वन क्लिक पर अवेलेबल है। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक का कैडर बनाने के साथ साथ आप देखें कि बहुआयामों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसमें संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए और किस तरीके से कार्यकर्ता जो है सशक्तिकरण के साथ अपने आप को एक्नॉलेज करते हुए पार्टी के विचारों को लेकर जा सके, उस पर भी लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। रही बात कि आज, क्योंकि आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं और दोपहर से मैं भी कई सारी डिबेट्स में हिस्सा ले चुकी हूँ, कि कमलनाथ जी ने अपने एक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए 2 दिन पहले का वाक्य है। आपके चैनल पर डिबेट्स चल रही थी, मैंने भी कुछ डिबेट्स में भाग लिया। भाई, एक व्यक्ति जिससे सदन की कार्रवाई बकवास लगती हो और वो व्यक्ति जिसकी भजन कीर्तन की उम्र हो, भजन कीर्तन की उम्र हो और वो उस उम्र में सहरा बांधने का जब काम करता है तो इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। कहीं पर आप किसी महिला को आइटम कह देते हैं, कहीं पर सदन को अपमानित करने का काम करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमानित करने का काम करते हैं। और जब कमलनाथ जी को ठीक अच्छे से समझ में आ गया कि अब इस पे कार्रवाई होगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो भय के ही कारण जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो उनकी स्लिप ऑफ टंग था उसका फायदा हो गया है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसका अगर 40 साल का अनुभव होता है और उसके बाद भी उसे गरिमा ना पता हो, उसे लोकतांत्रिक मूल्य ना पता हो, उन्हें ये ना पता हो कि वहां पे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, सदन में प्रदेश की जनता के लिए चर्चा की जा सकती है, की जाती है, वहां पे कानून बनाए जाते हैं, प्रदेश किस तरीके से सुचारू रूप से चल सके उस पर बातचीत की जाती है। और उस विमर्श को जब वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर
जिस भी कारण उनका संतुलन बिगड़ा और उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया है, मुझे लगता है ये भी एक भारी उनपे प्रेशर रहा, क्योंकि इतने बड़े अनुभव के साथ शायद वो भी नहीं चाहते थे कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो स्वयं शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है व्यान जी, जो बातें नेहा बग्गा जी ने कही उससे जोड़कर एक मेरा सवाल है। बीजेपी ने कहा था कि कमलनाथ सदन में रहते नहीं हैं, तो उनको क्या पता कि सदन के अंदर क्या कुछ कार्यवाही चलती है, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या एक यही बड़ा कारण रहा कि कमलनाथ ना तो सदन में ठीक से ध्यान दे पा रहे थे और ना फील्ड पर ठीक से ध्यान दे पा रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने एक पद छोड़ दिया है? पिछले 5 से 6 सेशन से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सदन की गरिमा को स्वयं जो है तार तार करने का काम किया है। सदन को जो सही पूरी अवधि तक चलाया नहीं कभी भी। जितने भी मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उठाए हैं सदन के अंदर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी किसी और बहाने से सदन को स्थगित करके, वो सारे मुद्दों के ऊपर खुद चुप्पी साधी और जनता से उन सारे मुद्दों को जो है ध्यान भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही। और जिस बदतमीजी से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सहरा बांधने की और इस प्रकार की निचले स्तर की जाके बात कर रही हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कांग्रेस पार्टी है जिसमें अपने बुजुर्गों का आदर किया जाता है और अपने देश के सबसे वरिष्ठ नेता के बारे में किस प्रकार से बात की जाती है शायद इनको पता नहीं है। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो राघव जी की और लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे अय्याशों की पार्टी नहीं है। इसके अंदर कुछ भी बोल दिया जाए अपने नेताओं के बारे में, ये सहरा बांधना बांधने की उम्र बांधने का कार्य कर रहे हैं, ये इस प्रकार की बात है कि राघव जी कौन सा सहरा बांधते थे और लक्ष्मीकांत शर्मा जी के हमने भरनी ट्रैप के दौरान जो वीडियोस देखे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कौन से सहरे बांधे जाते हैं हम सभी को पता है। जब हम बोल रहे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात को क्लियर किया है कि कमलनाथ जी ने स्वयं पार्टी अध्यक्षा से मिलकर इस बारे में बोला था कि दोनों पदों में से एक पद पर जो है मैं स्वयं किसी न किसी की नियुक्ति करना चाहता हूँ। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जो आज नियुक्ति हुई है वो भी हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 7 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह की नियुक्ति भी कमलनाथ जी की मर्जी से हुई है, बिना कमलनाथ जी की मर्जी से नहीं हुई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो है ना यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा जाता, उन्हें कचरा समझकर मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाल दिया जाता। ये इस हमारी पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस की पूछपरख होती है, उसको नवाजा जाता है, उसको सिराखों पर बिठाया जाता है ताकि उस एक्सपीरियंस से हमारे जैसी आने वाली पीढ़ी और भी हमारे जो युवा राजनेता है वो आगे चलकर कुछ सीख सके। तो इसीलिए कमलनाथ जी ने संगठन पर फोकस करना जरूरी समझा, क्योंकि 15-16 महीने बचे हैं चुनाव को, तो अब वो संगठन पर फोकस करेंगे। ठीक है नेहा बग्गा जी, गोविंद सिंह जी को मैं सुन रहा था शाम को, तो मीडिया ने जब उनसे सवाल किया आपकी पार्टी को लेकर या सरकार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई नीति नहीं है और बीजेपी के नेताओं को सिर्फ प्रचार करना सिखाया जाता है, काम करना नहीं। नहीं देखिए, गोविंद सिंह जी ने जो कहा उस पे तो मैं आपको जवाब दूंगी, पर मैं तो विवान जी से यहाँ पर बैठकर आग्रह ही कर सकती हूँ, क्योंकि वो काबिल प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कि भैया आप कमलनाथ जी को बहुत ज्यादा अपना मार्गदर्शक ना समझे, बहुत काबिल ना समझे, क्योंकि 40 साल के अनुभव के बाद जो व्यक्ति महिला को आइटम कह के बुलाता हो, जो व्यक्ति महिलाओं को सजावटी वस्तु कहता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है वो बकवास है, जिसे आज यही नहीं पता कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र में चुने हुए जो विधायक होते हैं जिन्हें जनता भेजती है अपनी योजनाएं बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, जो व्यक्ति उनका मखौल उड़ाता हो, और वो आपने भी सुना होगा एक जिंगल है कि दाग अच्छे हैं, तो इनका ये स्टेप डाउन करना, इन्हें हटा देना भी बहुत अच्छा है और ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी भी था। जब इन्हें समझ में आ गया कि कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस पे आपत्ति उठाते हुए विधानसभा के अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई थी। वरना अगर इनका वाकई में इस पद से छोड़ने का कोई विचार होता तो आज इस तरीके से दुर्गति ना हो रही होती कांग्रेस पार्टी की। और ये जब बात करते हैं विधानसभा की, तो जो व्यक्ति जाता नहीं विधानसभा और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कमलनाथ जी की मैं विधानसभा नहीं जाता, लेकिन नेहा जी आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि उन्होंने चुनाव में काम करने के लिए अपना सदन का पद छोड़ा है? देखिए कौन विश्वास करेगा, आप कर पाएंगे क्या? 24 महीने जो हमारी सरकार को आए हुए हैं उसमें 24 घंटे कमलनाथ जी सदन में नहीं रहे, 24 घंटे
हफ्ते के लिए 24 दिनों के लिए कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं रहे, 15 महीने की सरकार रही और जब वो गिर गई तो आप याद करिए ग्वालियर जब चुनाव प्रचार के लिए गए 28 उपचुनाव में तब कहते हैं कि 15 महीने के बाद आया हूँ। सागर के बगल की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो कहते हैं 13 महीने के बाद आया हूँ। इंदौर गए तो कहते हैं कि मैं जब अध्यक्ष बना था तब आया था, अब आने का अवसर मिला है। और जो व्यक्ति ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, किसानों को जिसने छोड़ दिया, वल्लभ भवन की खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने हमेशा हवाई जहाज में चलने का जो सफर पूरा किया है, जिसने धूल नहीं देखी है, धूप नहीं देखी है, सड़क नहीं देखी है, गरीबी नहीं देखी है, उस व्यक्ति से आप भी नहीं कोई इत्तफाक रख पाएंगे तो आप हमसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के तो खुद नेता कहते हैं, आप गोविंद सिंह जी ठीक है आज नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाइयां, पर आप खुद बताइए कि गोविंद सिंह जी नहीं बताते रहे क्या आज तक ये कि कमलनाथ जी बड़े आदमी है, कॉर्पोरेट कल्चर है, उनके पास नहीं है इतना टाइम, चलो 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 चलो, ठीक है। गोविंद सिंह जी व्यक्ति ने माखौल उड़ाया विधानसभा का, आज उनको चलो 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 कर दिया। ठीक है, गोविंद जी ने जो कहा नीतियों को लेकर उस पर ही वे कमेंट, उसके बाद व्यास जी आपके पास आ रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है और नीति भी है। आप देश में प्रधानमंत्री जी मोदी को देखिए, आज विश्व के सर्वमान्य नेता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की नीतियों को देखिए, यूएस लाडली लक्ष्मी योजना को सेम एज इट इज लेकर जा रहा है, कई अन्य देश जो हैं उसको अपना अपना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी के पास आज आज वर्ल्ड के अंदर आप देखिए जिसके पास आज अपना खुद का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो बताएंगे नेता और नीति के बारे में। ठीक है, चलिए व्यान जी, बीजेपी कमलनाथ के इस्तीफे को इस तरह से ले रही है कि स्पीकर ने कहा था कि अगर आपको कार्यवाही पसंद नहीं है या आपको लगता है कि यहाँ पर काम की बातें नहीं होती हैं तो आप इस्तीफा दे दें, क्या ये सही बात है जो बीजेपी कह रही है? और कार्रवाई का डर क्योंकि कमलनाथ को था, कोई एक्शन उन पर होता तो नहीं चाहते थे कि अब ऐसे वक्त में उनके ऊपर कोई एक्शन सदन ले। हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी को मैं मानसिक रूप से समझता, हमेशा ही समझता हूँ, और मैं इस बात को उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक समझदार महिला है। पर्सनल टिप्पणी करने से तो कुछ नहीं होगा, और इस बात को उन्हें स्वयं समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से ज्यादा ऊंची सोच तो नहीं रख सकता कि जब प्रधानमंत्री मतलब इस देश के मोदी जी बने थे तो कमलनाथ जी की के एक्सपीरियंस को देखते हुए और कमलनाथ जी के संसदीय एक्सपीरियंस को देखते हुए खास तौर पर उनको इस देश का प्रोटेम स्पीकर इसी मोदी सरकार ने बनाया था और राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से बनाया था। तो अगर यहाँ पर बैठकर अगर वे इस बात को समझ रही हैं कि वो प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से उनकी जो है सोच ऊंची हो गई या उनके जो दूरदर्शिता है वो ज्यादा हो गई तो मैं क्या बोलूं। जो कमलनाथ जी दो दो टर्म तीन तीन टर्म तक लगातार संसदीय कार्यों को यूपीए सरकार के दौरान देखते थे, जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे देश के और न जाने दर्जनों बार केंद्रीय मंत्री रहे, अगर उनको जिनको स्वयं मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में बनाया क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी? अगर कमलनाथ जी ये कहते हैं कि सदन में बैठकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बकवास नहीं सुन सकता तो उससे मैं भी अग्री करता हूं और जनता भी इसलिए अग्री करेगी क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी से सदन में लोक हित के सवाल कमलनाथ जी ने जाकर पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पलायन करने का कार्य किया है और कहीं ना कहीं ध्यान मोड़ने के लिए उस पर कुतर्क दिए हैं। तो इसीलिए सदन में भारतीय जनता पार्टी की सदन की बकवास जो शब्द इन लोगों अपने मन से गढ़ रहे हैं ना वो जनता खूब समझ रही है। सदन में भारतीय जनता पार्टी की बकवास मुझे पसंद नहीं है ये अवश्य उन्होंने कहा है। क्यों पसंद आएगी साहब? महंगाई, बेरोजगारी, जो है किसानों की आत्महत्याएं, कर्मचारियों की सारी समस्याएं, सारे जितने भी आज जो विकराल रूप लेकर अभी आप देखिए हाल ही में पेयजल की समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है हमारे सामने, जो है पावर कट्स 5-5, 6-6 घंटे के देख रहा है अंधेरे में 5,000 गांव पड़े हुए हैं। सारी चीजों पर जब जब भी कांग्रेस ने सवाल किया है सदन में भारतीय जनता पार्टी ने पलायन ही तो किया है और नए नए इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से और नई नई चीजों के माध्यम से जो है ध्यान मोड़ने की और ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। तो ये बकवास ही नहीं है तो और क्या है, और यही बकवास सदन में जारी रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सदन में बकवास मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है नेहा जी,
इस बात को तूल देने की कोशिश की गई क्या, जानबूझकर टारगेट किया गया क्या? नेहा जी आपको आवाज मिल रही क्या हमारी? नेहा जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए लगता है संपर्क में कोई दिक्कत है। नेहा जी आपको आवाज मिल रही हमारी? नेहा जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कनेक्शन में दिक्कत है, एक बार फिर से लौटेंगे। ज्ञान जी के पास आ गई आवाज। देखिए नेहा जी आ रही है आवाज आपको? चलिए लगता है आवाज नहीं जा रही नेहा जी के पास, एक बार चलते हैं व्यान जी के पास। व्यान जी अब चूंकि समय कम है इसलिए मैं फाइनल कमेंट अब इलेक्शन को लेकर ही ले लेता हूं आपसे, इलेक्शन को लेकर, क्योंकि हम आपको आपकी जो तैयारियां हैं वो देख भी रहे हैं, संगठन में बदलाव चल रहा है और मीटिंग्स भी अब आयोजित आगे होंगी, क्या कुछ और चुनौती आप लोगों के सामने भी आप लोग मानकर चल रहे हैं? बहुत शॉर्ट में संक्षेप में चाहूंगा। देखिए मध्य प्रदेश में हमें जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से निपटना। ये हमारी जो है सच्चाई है हमारे दिल के अंदर, और ये हमारी सावगोई ही है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं करते कि भाई आज हम 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन में है और अब देश में भी उनका शासन है, तो उनका संगठन डेफिनेटली मजबूत है और होना भी चाहिए। हमारा संगठन एक स्टेप उनसे कमजोर सही, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कसावट 2018 की बात याद कर लीजिए, कमलनाथ जी ने मात्र 15 महीने 16 महीने के अंदर संगठन को कसावट कर दी थी, उसी प्रकार से अब कमलनाथ जी आगे के दृष्टिकोण से अब जो है 2023 की तैयारियों में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का प्रत्येक वर्ग आज परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, और मध्य प्रदेश का युवा परेशान है, किसान, हर वर्ग जब परेशान है, तो उस हर वर्ग की समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी से अब 18 वर्षों के कुशासन से निजात दिलाना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ही होगा। ठीक है नेहा जी, बहुत शॉर्ट में संक्षेप में चाहूंगा, व्यान जी कह रहे हैं कि जैसे पहले कमलनाथ ने बहुत कम समय में अपने संगठन को खड़ा कर लिया था एंड मौके पर, ऐसे अब कर लेंगे, बहुत शॉर्ट में संक्षेप में। देखिए कमलनाथ जी ने क्या किया वो तो हम सब जानते हैं, घर घर चलो अभियान चलाया, तो जनता ने क्या उनके कार्यकर्ताओं ने चलो चलो कर दिया। उसके बाद खुद ही अपने संगठन पर सवाल उठा के कह दिया कि हम जो सदस्यता अभियान चलाते हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता फर्जीवाड़ा करते हैं। फिर आप देखिए कहा कि बूथ पर जाएंगे, अब बूथ पर जाने के लिए चालू हुआ अभियान ट्विटर पर, खत्म हो गया ड्रॉइंग रूम में। और मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई जो व्यक्ति संविधान को ना मानता हो, जो व्यक्ति संसदीय परंपराओं को ना मानता हो, मुझे खुशी है कि विवान जी यहाँ पर बैठ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के निर्णय कितने सही होते हैं। तो ये अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन है ये, कमलनाथ जी वही है जो संजय गांधी के शिष्य है। संजय गांधी हम जानते हैं किस तरीके से नसबंदी जबरदस्ती कराई थी, हम जानते हैं कि फरासी में क्या कमलनाथ जी की भूमिका रही, हम जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में इन्हीं कमलनाथ जी ने किसानों को भड़काने का काम किया, तो उनका था आग लगा मौका बिल्कुल है। और ये कमलनाथ वही है जिन्होंने कहा था भारत बदनाम है। ठीक है चलिए, जब रहते तो डर के कर दिया। ठीक है चलिए, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को, नेहा भगत जी आपका शुक्रिया, व्यान कुंभल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तैयारी 2023 की है, बीजेपी की आज दिल्ली में बैठक हुई, गहन मंथन उसमें हुआ, उधर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, आने वाले वक्त में और क्या कुछ प्लानिंग दोनों पार्टीज की देखने को मिलती है देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।